फ्रेंड्स, कैसे हैं? देखिए, आज मैं आपको आंखों से चश्मा उतर जाए और आपकी आई साइट स्ट्रॉन्ग रहे, इसके लिए बहुत अच्छे 5 टिप्स बताने वाली हूँ। और आप इसे डेली करेंगे तो दोस्तों आपको कभी भी चश्मा नहीं लगेगा और आपकी आई साइट वीक नहीं होगी। आजकल बच्चों की बहुत आई साइट वीक हो रही, क्योंकि वो मोबाइल में पढ़ते हैं और टीवी बहुत देखते हैं और ज़्यादातर कंप्यूटर पर बिताते हैं या फिर लैपटॉप पर बिताते हैं। सभी की आईज इस समय बहुत ज़्यादा वीक हो रही हैं। तो देखिए दोस्तों, उससे क्या है, सिर चकराता है और गर्दन में पेन होने लग जाता है और हमारी आंखें जो है कमज़ोर हो जाती हैं। तो देखिए, आंखों को हम स्ट्रॉन्ग रखें तो उसके लिए हमें कई चीज़ें लेनी सकते हैं। हम अपना इस तरह से अपना अंगूठे से भी इस तरह कर सकते हैं और एक पेन या पेंसिल से भी कर सकते हैं। देखिए, इसको हम सामने ले जाएंगे अपने थंब को इतनी दूरी पर ले जाने के बाद इसको धीरे धीरे एकदम स्ट्रेट देखते रहिए, कंटिन्यूस देखते रहिए। इसकी आंखें हमारी इसके ऊपर बिल्कुल इसी तरह से रुकी रहनी चाहिए और बिल्कुल आईज के एकदम टच करने के बाद फिर हम इसको दोबारा ले जाएंगे, इसी तरह करते रहेंगे और फिर इसको धीरे धीरे स्लो मोशन में अपने पास लाएंगे, फिर लाएंगे इसको अपने पास में और यहाँ ले जा करके हम इस तरह से हमें करना है कम से कम 10 टाइम्स और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी भी बार कर सकते हैं। तो देखिए ये था, और या फिर आप इस तरह से पेंसिल लीजिए, इसको वहाँ तक ले जाइए, आप सामने इतनी दूर रखिए, फिर इसको अपने धीरे धीरे अपने सामने लेकर आएंगे, इस तरह से सामने लेकर आएंगे आइस के एकदम से टच करने के टाइम पर धीरे स्लो। डेली आपको ये अभ्यास करना है, कम से कम 20 टाइम्स कर लीजिए, 50 टाइम्स कर लीजिए, इस तरह से आप इसको धीरे धीरे ला करके अगर डेली करते हैं तो ये आपकी आइस को स्ट्रॉन्ग करता है। फिर आप इसके बाद आप इसको रख देंगे और उसके बाद आप करेंगे, आपने इसे अपनी आइस को अप एंड डाउन करना है। देखिए अप यानी कि आप अपर यानी छत को देख रहे हैं, छत को देखिए और धीरे से आप अपनी आंखों को नीचे ले आइए, इस तरह से फर्श को देखिए, ऐसे करिए, फिर अपर एंड फिर डाउन, फिर अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। इस तरह से आप अगर करेंगे 50 टाइम्स करेंगे डेली तो आपकी आईज जो है बहुत अच्छी हो जाएगी दोस्तों, आपकी आईज साइट बहुत स्ट्रांग होने वाली है। इसी के साथ हम करेंगे, ये हमने कर लिए, अब इसके बाद हम करेंगे, ये हमारा एक पॉइंट होता है दोस्तों, ये वाली फिंगर के पास में हमारा पॉइंट होता है, ये हमारी फिंगर है, इसके बाद ये इसके अंगूठे के बराबर वाली फिंगर है, इसको हम तर्जनी कहते हैं। इसको हम अगर यहाँ पर इसके पॉइंट को दबाते हैं और इसको दबाने के साथ